बस और ट्रक के आमने सामने टक्कर में लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सदर हॉस्पिटल का दौरा कर रोडवेज बस के घायलों का कुशल क्षेम जाना, दिया घायलों के पर्याप्त मदद का भरोसा। क्षत्रिय महासभा और हिंदू संगठनों के लोगों ने फिल्म पद्मावती का किया विरोध, निर्देशक संजय लीला भंसाली का फूका पुतला। बसंत पंचमी के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने विद्या की देवी मां सरस्वती की विधिवत की गई पूजा अर्चना। पेट्रोल में पानी मिलने पर उपभोक्ताओं ने किया हंगामा, पैसे वापस मिलने पर हुए शांत। CRDPG कॉलेज में बसंत पंचमी पर आयोजित हुआ विविध कार्यक्रम, निराला जयंती पर वक्ताओं ने रखे विचार। सपाइयों ने मनाई स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की 8वीं पुण्यतिथि, दी श्रद्धांजलि, लिया छोटे लोहिया के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प। श्री साईं सेवा संस्थान द्वारा मनाई गई श्री साईं बाबा वार्षिक उत्सव समारोह, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ समापन। वक्ताओं ने कहा, साक्षात सांस्कृतिक कला व सांस्कृतिक गतिविधियों का गवाह बना ललित कला विभाग। बीज शोधक रसायन, जैविक रसायन एवं अन्य रसायन जिले के सभी ब्लॉकों में किसानों के लिए अनुदान पर प्रचुर मात्रा में है उपलब्ध। दिग्विजय नाथ PG कॉलेज में शिक्षक और छात्र छात्राओं ने की माँ सरस्वती की वंदना। मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य पोर्टल पर 30 जनवरी तक कराएं विवरण फीड को फाइनली लॉक। और भारतीय एकलव्य पार्टी ने मनाया वीर अभय की जयंती।